नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.4 का प्रश्न 2 करने जा रहे हैं। एक समलंब एबीसीडी जिसमें एबी डीसी के समांतर है, ये समांतर का निशान है, के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी आकृति ही बना लेते हैं। देखिए, यह एक समलंब है इस प्रकार से, जिसमें कि ए बी सी डी, जिसमें ए बी जो है यह सी डी सी के समलंब समांतर है। इसके विकर्ण देखिए, इसके विकर्ण, ये इसका एक विकर्ण है और यह है इसका दूसरा विकर्ण है। मान लीजिए ये बिंदु O पर मिलते हैं आपस में, ये मान लीजिएगा कि B बिंदु यहीं पर है। अब यदि AB बराबर 2CD हो तो हमें त्रिभुजों AOB, AOB और COD, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा इसका हल। इन ट्राइंगल जो हमें दिए गए हैं ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी ए ओ बी कोण सी ओ डी कोण के बराबर होगा। कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के। क्यों बराबर होगा बेटा? ये शीर्ष अभिमुख कोण है, जहां पर भी इस प्रकार से क्रॉस बन जाए तो यह कोण इसके बराबर होता है। इन्हें हम कहते हैं शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण। और आप बच्चों देखिए कि ये डीसी जो है ये एबी के समांतर है, डीसी एबी के समांतर है, तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? दो पैरेलल लाइंस है, दो समांतर रेखाएं हैं और यह तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर अंतः कोण बन गए। यानी कोण सी ए बी बराबर होगा कोण ए सी डी के, कारण एकांतर अंतः कोण। अब बच्चों दो कोण बराबर, इन दोनों त्रिभुजों में AOB और COD में दो कोण बराबर है, एक कोण इसके बराबर और यह कोण इसके बराबर, तो AA समरूपता कसौटी के अनुसार, ये आपने किया है, AA समरूपता कसौटी के अनुसार त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के, यानी यह वाला त्रिभुज और COD ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। और बच्चों हमें पता है यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो अभी हमने पढ़ा था उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि त्रिभुज AOB इसका एरिया बटा त्रिभुज COD इसका एरिया, यह किसके बराबर होगा? उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। अब संगत भुजाएं कौन सी लेनी है हमने, जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं AB और CD। तो देखिए AB के संगत CD ही है, तो AB बटा CD का होल स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। साथ की साथ हमें बताया गया है AB बराबर है, देखिए यहां पे 2CD के, ये भी इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, पहले वाली इक्वेशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल COD यह किसके बराबर होगा? AB बटा CD के होल स्क्वायर के, तो AB की जगह मैं लिख दूंगा 2CD और CD की जगह रहने दूंगा CD इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए CD से CD
कट गया, सीडी भुजा से सीडी भुजा कट गई, तो ऊपर बच गया दो और नीचे बच गया सीडी से सीडी कटा तो एक, यानी कि दो बटा एक का होल स्क्वायर। दो का स्क्वायर होता है चार, एक का होल स्क्वायर होता है एक। इसका अर्थ क्या है, हमें क्या पूछा था, त्रिभुजों एओबी और सीओडी के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी के क्षेत्रफलों का अनुपात आया है चार बटा एक। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर चार रेशियो वन। बेटा बटे में नहीं देना, अनुपात पूछा है तो इसलिए अनुपात की फॉर्म में ही हम इसे लिखेंगे। तो ये चार रेशियो एक इसका उत्तर है। कई बच्चे बटा में लिख के छोड़ देते हैं, बच्चों आधा नंबर वहीं आपका कट जाता है, क्योंकि आपसे अनुपात पूछा, आपसे भिन्न नहीं पूछी है, तो हमने इसीलिए उसको अनुपात के फॉर्म में बदला है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।